जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल सुबह यानी कि 1 नवंबर को क्रेज 3 फिल्म की 10th एनिवर्सरी है, जिसके चलते आज सुबह से ही क्रेज 4 फिल्म से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। और सभी आर्टिकल में बताया गया है कि क्रेज 4 फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 में स्टार्ट की जाएगी। और साथ ही साथ सभी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि क्रेज 4 फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है। और इसके अलावा कई सारे आर्टिकल में ये भी बताया है 1 नवंबर को क्रेज 4 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि 1 नवंबर को क्रेज 3 फिल्म की 10th एनिवर्सरी है। सो इस मौके पर क्रेज फिल्म के मेकर्स 1 नवंबर को क्रेज 4 फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। बट दोस्तों, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शूटिंग के बारे में बता दूँ तो दोस्तों, अभी तो ऋतिक रोशन सर ने वार 2 फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट नहीं करी। वार 2 फिल्म की शूटिंग लास्ट नवंबर में स्टार्ट करेंगे और फिर जनवरी में ब्रेक लेंगे। फरवरी से फिर से वार 2 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और वार 2 फिल्म की शूटिंग मध्य 2024 तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी में क्रेज 4 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। और बात रह गई कल क्रेज 4 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की, तो दोस्तों, क्रेज 4 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल नहीं होगी। अगर कल क्रेज 4 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो मैं आप लोगों को सुबह बता दूंगा। फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक तो कल क्रेज 4 फिल्म की अनाउंसमेंट किसी भी हालत में नहीं हो रही। और बात रह गई प्रियंका चोपड़ा की, तो दोस्तों, अभी तक ये भी पता नहीं चला कि इस फिल्म के मेकर्स ने सच में प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है या फिर ये सब रूमर्स ही चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले टाइम में क्रेज 4 फिल्म को लेकर सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा। फिलहाल मैं तो ऋतिक रोशन पार्ट 2 फिल्म पर ध्यान देंगे और फाइटर फिल्म की रिलीज डेट पर।